अब हम सीखने जा रहे हैं अधिक प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं अधिक प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, रीना की आय मीना से 10% अधिक है तो मीना की आय रीना से कितने परसेंट कम है? रीना की आय मीना से 10% अधिक है तो 10% का रेशियो वैल्यू जो है वो कितना होता है? 1/10, है ना। तो यानी कि 1/10 यानी 10 पर 1 अधिक है, 10 पर 1 अधिक है। 10% माने अधिक, मतलब 100 पे 10 अधिक। अगर 100 पे 10 अधिक यानी वो 110 हो जाएगा, या फिर उसको रेशियो से देख लो आप, 10% मतलब 1/10, तो 10 पर 1 अधिक यानी इसकी 10 है तो इसकी 1 अधिक यानी 11 हो जाएगी। फिर क्या बोला, मीना की आय रीना से कितने परसेंट कम है? तो मीना की आय रीना से कितने परसेंट कम है? 1 कम है। किससे? रीना से। तो 1/11 × 100, और जैसे ही 1/11 आया हम ऑलरेडी जानते हैं 1/11 का मतलब 900 ही 1/11%, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कालू की आय लालू से 25% अधिक है, कालू की आय लालू से 25% अधिक है तो लालू की आय कालू से कितने परसेंट कम है? तो 25% की जो रेशियो वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1/4। अब 25% अधिक है, अधिक माने ज्यादा है, है ना। तो 25% मतलब 1/4, तो 4 पर 1 अधिक, नहीं 4 पे कितनी हो जाएगी? 5। अगर ये 4 है तो कितना हो जाएगा? 5। फिर क्या होगा, लालू की आय कालू से कितने परसेंट कम है? तो भाई लालू 4 है, कालू 5 है, तो कितना कम है? 1। किस पे? 5 पे। तो 1/5 × 100, और जैसे 1/5 आया हम समझ जाएंगे 20%, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक ही आय बी से 20% अधिक है, एक ही आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? तो 20% माने क्या होता है? 1/5, है ना। 1/5 मतलब 5 पर 1 अधिक है, अधिक बोला तो 5 पर 1 अधिक है, यानी 5 है तो कितने हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब बोला तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है? तो बी कितना है? 5, ए कितना है? 6। अब बी ए से कितना कम है? 1 कितने से? 6 से। तो 1/6 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3%। चौथा क्वेश्चन, राज्य ए की आबादी राज्य बी से 33 सही 1/3% अधिक है, राज्य ए की आबादी राज्य बी से 33 सही 1/3% अधिक है तो राज्य बी की आबादी राज्य ए से कितने परसेंट कम है? 33 सही 1/3% जानते हैं कितना होता है? 1/3। अब चूंकि अधिक है यानी 3 पर 1 अधिक है, तो अगर ये 3 है तो अगला क्या हो जाएगा? 4। तो बी की आय से कितने कम, बी की आबादी ए से कितने कम है? 1 कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 कितने पे कम है? 4 पे। तो 1/4 × 100 कितना आंसर आ जाएगा? 25%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की उम्र बाई से 11 सही 1/9% अधिक है तो बाई की उम्र एक्स से कितने परसेंट कम है? तो यहाँ दो कैंडिडेट हैं, एक्स एंड बाई, है ना। अब 11 सही 1/9% का वैल्यू क्या होता है? 1/9 मतलब अब अधिक है तो 9 पर 1 अधिक है, यानी अगर बाई 9 हो जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा? 10। अब तो बाई एक्स से कितना कम है? 10 पे तो ये 1 कम है, तो 1/10 × 100 कितना परसेंट हो जाएगा? ये 10% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, सीता की आय गीता से 8 सही 1/3% अधिक है तो गीता की आय सीता से कितने परसेंट कम है? ठीक है, तो देखिए गीता एंड सीता, सीता एंड गीता, सीता और ये रही गीता। अब 8 सही 1/3% की रेशियो वैल्यू क्या होती है? 8 सही 1/3% की रेशियो वैल्यू होती है 1/12। अब 12 पर 1 अधिक है, इसका मतलब ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी? 13। अब तो गीता की आय सीता से कितने परसेंट कम है? तो ये कितना हो जाएगा? 1 कम है, कितने पे? 13 पे। तो 1/13 और गुणा कितना कर देंगे? 100। कितना कर देंगे? 100। अब 1/13 की रेशियो वैल्यू क्या होती है? 7 सही 9/13%। तो ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।